की मेरा मुड़ा गया, मेरे मुड़ा सारा शहर दवा टूटिया और मेरी मुड़ी क्या जितने छुट्टी से छुट्टियां होने सारे बंद सारे सिरें चन सारे बंद तैड़ीदार बंद किया उठगा किया ठीक करने सुनाओ सर को इन्ने रुपये हैं कोई डलियो मारियो तुसें थोड़ियां कुलियां आटे नी होंदे खाने तुसें सारे कन्नै केह् केस लन्ने न अस सारे कोड़ खरीदे दे असें एमएलए खरीदे दे सारे साढ़े न थोड़ा कोड़ ऐ तुस सारे कन्नै लड़ी गै नी सकदे कि आखेआ अस इन्ने पैसे आह्ले लोग न। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक क्षेत्र समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। ये लोग आप देख रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार जिस तरह से लगातार कहा जाता है, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, इस तरह शर्मनाक वाक्य सामने आना, लगातार असॉल्ट केसेस उधमपुर में बढ़ना, आखिरकार कहाँ पर है पुलिस प्रशासन? क्यों नहीं इन लोगों तक पहुँच रहा, इन लोगों की आवाज़ सुन रहा? के गल हुई की मारे दा पहले भी आइए मिकी भी आड़ा दर्शन कुमार पहले गालियां कट्टा था गंदियां आया ओंदे के मिकी मारा पिया नहीं शराब पीती थी पी मेरा मुड़ा गया मेरे मुड़ा सारा सिर दवा टूटिया और मेरी मुड़ी क्या जितने छुट्टी से छुट्टियां होने सारे बंद सारे सिरें चन सारे बंद तैड़ीदार बंद किया उठगा किया ठीक करने सुनाओ साढ़े को इन्ने रुपये हैं कोई दोषी कौन है मला क्या बिना तो कभी पुलिस से गल की हाँ की नहीं अस गए बस ही सुनाया उते गए उते सुनाया से उन्हें आखिया चली जाओ पहले हुई है गल हुई की उन्हें मुड़े कोड सारे उनते मुड़े सब कोई उनते का पुलिस वाले भी उनते आए कोड वाले उनते आए जज वकील उनते सारा कौन है सारा कोई नहीं है सारा कोई उनते मुड़े खुद मिकी आखिया के तो के करना तो डूम डलियो मारियो तुसें थोड़ियां कुलियां आटे नहीं होंदे खाने तुसें साढ़े कन्नै केह् केस लन्ने न अस साढ़े कोड़ खरीदे दे असें एमएलए खरीदे दे सारे साढ़े न थोड़ा कोड़ ऐ तुस साढ़े कन्नै लड़ी गै नहीं सकदे कि आखेआ अस इन्ने पैसे आह्ले लोग न उ'नें इन्ने आखेआ कि थोड़े कोल थोड़ा खाने आटा नहीं होंदा ते तुसें साढ़े कन्नै केह् लड़ाइयां करनियां न और केह् मांग करना चाहंदे तुस तुसें लोग दिक्खा दे इस वेल्ले केह् मांग करना चाहंदे मांग इ'यै करने चाहंदे कि अब मेरे साथ सोमराज कुंडल जी मौजूद हैं जो कि माशा बरादरी के जम्मू कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट हैं। कुंडल साहब क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं हमारे उधमपुर में उस असॉल्ट केस जो हैं रुक रहे हैं थम रहे हैं, लगातार मारपीट के केसेस सामने आते हैं? देखिए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पहला मामला नहीं है, कई मामले आपके मीडिया के माध्यम से हमने उठाए हैं और वक्त वक्त पर हम गरीब लोगों की समाज की और दलित लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। और आज भी जब सुबह मैंने इन लोगों का मेरे को फ़ोन आया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हमला हुआ है, ऐसी ऐसी बात हम लोगों के साथ हुई है, आपने देख लिया होगा अंदर क्या हालत है लोगों की, औरतें आज जो यहाँ पे आए गरीब औरतें किस तरह से रो रही हैं और किस तरह से इन लोगों के हालात बने हुए हैं। आज इन लोगों के साथ क्या कोई खड़ा नहीं होने वाला है? हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए, हमने मौका देखा, हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन लोगों की है। यहाँ पे इन लोगों से मैंने जो जाना है, मुझे ये पता चला है कि ये औरतें यहाँ पे पानी लेने कुएं पर जाती हैं, वहाँ पे इनके ऊपर हमला किया जाता है। कुछ शरारती लोग जो शरारती तत्व में मैं गुंडे बदमाश उन लोगों को कहूँगा, उन लोगों ने इन औरतों के ऊपर हमला किया, जाति सूतक शब्दों से जो इनके इनके ऊपर इस्तेमाल किया, गालियाँ गलौज किया है और कहा है कि आपकी जाति को आप लोगों को आप नीच लोग पर अभद्र भाषा करना कहाँ तक सही है कुंडल साहब? सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि आज क्या हो गया हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, इस प्रकार के अत्याचार होते हैं। आप देखिए बुजुर्ग महिला को देखिए, इनकी टांग तोड़ी हुई है, इनकी टांग तोड़ी हुई है, क्या हालत है, इनकी शक्ल देखिए आप, इस तरीके का। बाकी हमारे यहाँ पे मलाड में ऐसी घटना जो घड़ी है,
ऐसी घटना जो घटी है, देखिए इनके हालात, इनके पाँव को देखिए, सूजिश देखिए इनके पाँव की, और तुमको भी उन लोगों ने नहीं बख्शा। और रात को, रात का वाक्य क्या हुआ, जब पानी के ऊपर कुएं पर इन औरतों की लड़ाई होती है, जो आप बीती अपने घर वालों को बताती हैं, अपने मोहल्ले में बताती हैं, उन लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, वो क्या करते हैं कि वो एक षड्यंत्र के तहत रात को 10-11 बजे 10-12 लोगों को इकट्ठा करते हैं, बदमाश लोगों को इकट्ठा करते हैं, मुंह में मुंह को ढक कर मास्क वगैरह लगाकर इनके ऊपर वो हमला करते हैं। रात को इनके पतियों को, इनके हस्बैंड को, जो अंदर जो चार लोग दो देखे हैं, घर वालों को ऊपर हमला करते हैं और बुरी तरह उन लोगों को घायल कर दे रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, मेरे साथ बुजुर्ग महिला है कि तुझे भी मारेगा। भाई तो मैं कह रहा हूँ सर, हमारा लोगों का जीना कहा। एक तरफ तो कहा जाता है कि दलितों के साथ इंसाफ हो रहा है, ये इंसाफ हो रहा है? कोई इंसाफ नहीं होता दलितों के साथ। जब भी दलितों के ऊपर कई इस तरीके का हमला किया जाता है किसी प्रकार का, कोई भी, अभी तक वो लोग गिरफ्तार क्यों नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। रात का वाक्य हुआ है, हॉस्पिटल में ये लोग पड़े हुए हैं, MLC इनका रात को बना हुआ है, यहाँ से रिपोर्ट, हॉस्पिटल से रिपोर्ट वहाँ पे जरूर गई होगी कि यहाँ जहाँ पे ऐसा वाक्य हुआ, लेकिन अभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं है। साहब जहाँ लड़ाई हुई है कल, वो कौन सा जगह था, कौन सा एरिया का नाम क्या था? देखिए वो मलाड़ बस्ती है, कि जहाँ पे ऐसी बस्ती, ऐसी मोहल्ला उसको कहा जाता है, वो वहाँ पे एक मलाड़ में एरिया पड़ता है, मलाड़ में ये लोग रहते हैं और इनका पूरा ऐसी बस्ती है, वहाँ पे 2-4 घर जो है वो स्वर्णों के हैं। उन लोगों ने जो इनको पहले तो जमीन झगड़ों से, बाद इनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता है, उस तरीके से लड़ाई झगड़ा रहता है, गाली गलौज इन लोगों के ऊपर करते रहते हैं, और आज जो इतना हद तक हो गया, पहले भी इनके कोई केस उनके ऊपर, FIR इनकी तरफ से हो रखी है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज वो इतने तक आएंगे। इनको पुलिस प्रशासन लगातार आश्वासन देता है लोगों को कि हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी जो है लगातार कार्रवाई करेंगे, पर अब कहां है पुलिस प्रशासन? देखिए वही तो मैं पूछना चाहता हूं, अब देखता हूं क्या कार्रवाई होती है। आज हम आए हैं, आज देखते हैं आज वो लोग गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते, उसके बाद मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, यह मामला कोई उधमपुर का नहीं रहेगा, यह मामला पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जाएगा, पूरे जम्मू के जितने भी हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो समाज को लीड करने वाले लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं, संगठन जो ऐसी कम्युनिटियों के जो भी संगठन है, पूरे लोगों से बात करेंगे, इस तरीके का वाक्य जो है, अगर उन लोगों को सजा नहीं देगी, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो इससे आगे हम और भी कार्रवाई करने को तैयार रहेंगे।